चरणों को पकड़ा है, एक एक कांटों को जब निकालते हैं तो मानो उनके हृदय में घाव हो गया हो, जैसे किसी के हृदय में कांटे चुभ गए हो, उसे कोई निकालता हो, दोनों आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ी। ऐसे बेहाल बेहाल से पगग कंगन चरणों को धो गए, चरण धुल गए, इतने आंसू गिरे। सुदामा की दशा को देख कर नगर के जितने भी लोग हैं, जितने भी राज्यसभा के लोग हैं, सब खड़े होकर के स्तब्ध होकर के देख रहे हैं। आज सुदामा जी को ले जाते हैं, स्नान कराने के बाद सुंदर आभूषण धारण कराए हैं। सुंदर आभूषणों को धारण करा करके 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया है। भोजन कराने के बाद ले जाकर के सुंदर मखमली आसन पर लिटाया है और लिटाने के बाद स्वयं लक्ष्मीपति नारायण आज सुदामा जी के चरण दबाते हैं। लक्ष्मी क्या कर रही है? लक्ष्मी स्वरूपा रूपाणी जी आज खड़ी होकर के पंखा झल रही है। धन्य है वो ब्राह्मण जिस ब्राह्मण को कई बार लोग दरिद्र कह देते हैं, धन्य है वो ब्राह्मण और धन्य है उस ब्राह्मण की साधना कि जिसके चरण साक्षात नारायण दबाते हैं, लक्ष्मी जी से पंखा